नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ जय शुक्ला। बात करेंगे सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की, और इस मामले में ये बात करेंगे कि इसमें नया क्या है। तो आपको बता दें कि सीबीआई के हवाले जब से सुशांत सिंह राजपूत की जांच का जिम्मा सौंपा गया है, सीबीआई ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। केंद्र सरकार से अधिसूचना मिलने के बाद मामले की जाँच को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। मामले में रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया जा चुका है। अब ये साफ हो चुका है कि सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की गुत्थी जल्द ही सुलझ सकती है, क्योंकि इसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे का राज आखिर क्या है। इसी में मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर लिया गया। मनोज शशिधर के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि एसआईटी टीम में डीआईजी गगनदीप गंभीर जांच की निगरानी करेगी। अनिल यादव को केस का आईओ बनाया गया है। पूरे मामले को लेकर सीबीआई बिहार सरकार के संपर्क में है। बिहार पुलिस की तरफ से दोबारा बीएमपी को एक लेटर भेजा गया है। नए लेटर के जरिए भी बीएमसी से आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन से मुक्त करने की मांग की गई है। इस बात को खुद बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कन्फर्म किया है। इसी मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इससे पहले क्या कुछ कहा था, हम आपको वो बयान सुनाते हैं। मुंबई पुलिस को सूचना देकर के गए थे, सीनियर एसपी ने उनके जाने की सूचना दी थी, पत्र लिखा था, आईपीएस मिस में एकोमोडेशन का अनुरोध किया था, और मैंने भी वहाँ के डीजीपी को एसएमएस किया है और उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ 3 दिन के लिए अनुसंधान को दिशा देने कोऑर्डिनेशन के लिए जा रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि बीएमसी को बिहार पुलिस की तरफ से ये आखिरी लेटर भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार इस बार एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को लेटर लिखा है। एडीजी मुख्यालय ने साफ लिखा है कि मामला अब सीबीआई के पास जाँच के लिए जा चुका है, ऐसे में अविलंब विनय तिवारी को छोड़ा जाना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये खबर अभी अभी हम आपको बता भी चुके हैं कि विनय तिवारी को बीएमसी ने छोड़ भी दिया है। बहरहाल अब ये मामला साफ हो चुका है कि सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में सीबीआई जल्द ही कुछ ना कुछ नया करने वाली है, क्योंकि 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और ये 6 लोग वो हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द रहा करते थे, चाहे किसी भी रूप में। अब सीबीआई इसके हवाले से जाँच पड़ताल शुरू कर चुकी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में नया खुलासा होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। नमस्कार।